तारीख 14 अगस्त ना रोज अरे सूरत महानगर पालिका द्वारा गुजरात शहर में बाहर थी आवेला लोगों ने कोरोना नु रसीकरण आने आँख ने तपास करवामा आवी हती। आ निमित्ते दीप प्रागट्य में सूरत महानगर पालिका कॉर्पोरेटर राजेश भाई जोड़िया, डॉक्टर प्रफुल्ल भाई सिरोया, दिनेश भाई पटेल, किंजल बेन वगैरह तमाम लोगों हाजरी आपी दीप प्रागट्य करे हतो। सूरत महानगर पालिका कॉर्पोरेटर राजेश भाई जोड़िया ने रुड़ालय समिति चेरमेन है, डॉक्टर प्रफुल्ल सिरोया और दिनेश भाई लोक दृष्टि चेरिटेबल ट्रस्टी से, दिनेश भाई जोगाड़ी आँख चेकअप ट्रस्टी से अने तमाम महानुभावे हाजरी आपी लोग ने जनजागृति फैलावी थी। अने कोरोना रसी अने आँखनी तपास आ तमाम विनामूल्य करवामां आवी हती। तो चलो जो ये आपणे आगळनो रिपोर्ट अमारा पीएनजी न्यूज स्वात गुजरात हेड जयेश भाई साथे। ये प्रोजेक्ट का स्वागत करेंगे, मैं विनती करूंगा साहेब राजू भाई वालिया साहेब को, हमेशा खड़ा रहेगा इसके लिए, जो भी आवश्यकता है, जो भी हमसे हो सकता है वो सूरत महानगर पालिका कर रही है और आगे भी करते रहेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम। मेरा नाम दिनेश भाई जोगानी है, लोक दृष्टि चक्षु बैंक सक्षम समदृष्टि समता विकास अनुसंधान मंडल जो दिव्यांगों का राष्ट्रीय संगठन है, इनमें काम्बा कॉर्नियल अंधत्व मुक्त भारत अभियान और मैं क्वालिफाइड ऑप्थल्मिक असिस्टेंट 1986 से लोक दृष्टि चक्षु बैंक से जुड़ा हुआ हूँ। रेड क्रॉस 84 तालुका ब्रांच में मैं वाइस चेयरमैन हूँ। अभी तक कितना आइस लिंक किया आपने? अभी 25 साल में हम लोगों ने 2574 आई चेकअप कैंप और नेत्र दान सलाह शिविर का आयोजन किया है। कौन से सिटी में आपने आई चेकअप किया है? ऐसे तो साउथ गुजरात में, पूरे साउथ गुजरात में सब सिटी यानी कि तालुका प्लेस और कहीं गांव में भी। तो ये हमारा नेत्रदान और नेत्र निदान का साउथ गुजरात अभियान चल रहा है। ये अभियान कहाँ तक ले जाना चाहते हैं आप लोग? ये अभियान हम लोग पूरे भारत में ये अभियान नेत्रदान की प्रवृत्ति को ज़्यादा से ज़्यादा वेग मिले, ज़्यादा लोगों नेत्रदान के बावजूद फिर से दृष्टिवान बने। आपके साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है इस संस्था में? हमारी संस्था में यहाँ हमारे स्थापक संयोजक हैं डॉक्टर प्रफुल्ल जी सिरोया जो तांबा के कार्यवाहक है पश्चिम भारत के, और वो होमगार्ड में कमांडेंट भी है और रेड क्रॉस 84 तालुका ब्रांच में चेयरमैन है। थैंक यू, आपने समय दिया इस बदल, आपका खूब खूब धन्यवाद।